याद में खुशी समाई हुई है सबसे बड़ी चीज, और खुशी में जो कुछ भी होना चाहिए दुनिया का वो हर चीज समाई हुई है। स्वर्ग में जो कुछ समाया हुआ है वो सब याद में समाया हुआ है। याद में रहने वाले को, जो तीव्र याद में रहने वाले होंगे वो संगमयुगी स्वर्णिम सुख का अनुभव करेंगे, या सतयुग के दूसरे तीसरे या बाद वाले जन्म में रहने वाले स्वर्णिम सुख को अनुभव करेंगे। ऊंचे से ऊंचे सुख को अनुभव कौन करेंगे? जो तीव्र याद में रहने वाले होंगे वो स्वर्ग के सारे ही सुख अनुभव करेंगे, और स्वर्ग के सुख तो फिर भी इंद्रियों द्वारा अनुभूत किए जाते हैं। स्वर्णिम सुख के जो स्वर्ग है उसके सुखों को तो इंद्रियों से परे की स्टेज में रह करके अनुभव करते हैं। तो स्वर्ग में भी जो सुख नहीं अनुभव कर सकते, जो खुशी नहीं उपलब्ध कर सकते, वो खुशी याद की शक्ति से यहाँ संगम युग में अनुभव करेंगे। बिल्कुल, याद में अगर सब कुछ न समाया हुआ हो तो योग बल से विश्व की बादशाही क्यों गाई हुई है? ज्ञान बल से क्यों नहीं? धारणा बल से क्यों नहीं गाई हुई है? सेवा के बल से क्यों नहीं गाई हुई है? क्या गाया हुआ है? योग बल से विश्व की बादशाही। और बादशाह जितना सुख भोगता है, समृद्धि भोगता है, बाकी प्रजा उतना सुख शांति समृद्धि भोगती है क्या? आधा में जाम आधा में रैयत गाया हुआ है।